उपचुनाव से पहले कांग्रेस आक्रामक मूड में नजर आ रही है। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, प्रेमचंद गुड्डू और सदाशिव यादव ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संभाग आयुक्त पवन शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने निजी अस्पतालों में वसूली की जा रही मनमानी राशि, जीवन रक्षक इंजेक्शन के नाम पर वसूले जा रहे मनमाने दाम और वेंटिलेटर की कमी का मुद्दा उठाया। वही संभाग आयुक्त पवन शर्मा ने कांग्रेस नेताओं से कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, अस्पतालों में बेड की कमी भी नहीं है और मरीजों के उपचार का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पेशेंट्स होते हैं उनको बेड उपलब्ध करा पा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में उन्होंने कहा है कि इसकी उपलब्धता लगातार सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। मैं प्रशासन और कलेक्टर से चर्चा करके विल ट्राई टू सी कि सबको ये उपलब्ध है। उसके बावजूद भी जैसे हमें पता चलता है कि कहीं कमी है या किसी मरीज के साथ होता है, तत्काल हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। वो भी हमारे